पत्नी को एग्जामिन किया है, वो मां नहीं बन सकती। रोजी क्यों शोभा? ये तो किस्मत की बात है। मैं बड़ी अभागन हूं,
किसी लड़के के साथ शादी करनी चाहिए थी जो आपको संतान का सुख दे सकती। ऐसा ना कहो शोभा, ये तो मेरी स्वर्ग का एहसान है कि तुम्हें इस घर की बहुरानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तुम अपने आप को संभालो और ये सोचो कि दुनिया भर के बच्चे तुम्हारे अपने बच्चे हैं। ये तो ठीक है, लेकिन बच्चों के बिना घर की शोभा ही क्या। तो फिर किसी अनाथ बच्चे को घर ले आओ, उसे पालो पोसो पढ़ाओ लिखाओ, तुम्हारे अरमान पूरे हो जाएंगे, उसकी जिंदगी बन जाएगी। सच? सुनिए, गांव में मेरी एक मौसिया बहन है, बेचारी विधवा है, उसके दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। मैं चाहती हूँ लड़की को ले आऊं। लड़की? लड़का क्यों? लड़का तो बड़ा होकर माँ के बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बेटी के ब्याह का बेचारी बोझ कैसे उठाएगी। यहाँ तो भगवान का दिया सब कुछ है। ठीक ही सोचा है तुमने, लेकिन एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को किसी दूसरे के हवाले कर देगी? दूसरा कौन? मैं तो उसे सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दूंगी। मुझे यकीन है वो मुझ पे ये एहसान जरूर करेगी। हमारा सर तुम्हारे सामने हमेशा झुका रहे बशर्ते है तुमने अपनी गोद सुनी करके मेरी गोद भर दी। आओ उसे खुशी खुशी विदा करो। चाची चाची, देखिए ना मेरे कितनी बड़ी मोटर आई है। मैं आंटी के साथ बॉम्बे जा रही हूँ। तुम्हारी आंटी बहुत अच्छी है ना? बहुत अच्छी है, देखिए ना मेरे लिए खिलौना लाई है। मैं अब वहीं रहूंगी, वहाँ बहुत बड़ा मकान है। मैं जाऊँ? अच्छा बेटे। जानकी बहन, और ये मेरी बहन से भी ज्यादा। अच्छा, अब यही रहती हूँ जी। आपके पति क्या काम करते हैं? तुम्हें ये बात नहीं पूछनी चाहिए थी। क्यों? इसकी वही कहानी है सीता और राम जैसी। निर्दोष बेचारी को उसके पति ने त्याग दिया है। बहन, मुझे माफ करना बहन। भगवान ने चाहा तो आपके पति जरूर एक दिन अपनी भूल मानकर आपको स्वीकार करेंगे। अच्छा माँ, मैं जाती हूँ। अच्छा बेटी जाओ, आंटी जी का कहना मानना। अच्छा चलती हूँ। माँ, ये माला मोटर में कहाँ गई? वो चली गई। चली गई? हाँ, हमेशा के लिए चली गई। यहाँ किसके सहारे रहती? मैं गरीब विधवा, तू अनपढ़ आवारा। मेरे मरने के बाद भीख मांगती, चोर की बहन कहलाती। नहीं माँ, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, मन लगा के पढ़ूंगा, तुम्हारा कहना मानूंगा। उसे वापस बुला लो माँ, वापस बुला लो। वो अब कभी वापस नहीं आएगी। तो फिर मैं भी जाता हूँ, मैं भी कभी वापस नहीं आऊंगा। मैं अपनी बहन बिना नहीं रह सकता। वकील कैसे बनोगे? याद है तुमने कहा था मैं पढ़ा होकर वकील बनूंगा। अमरनाथ शर्मा, इस शानदार कामयाबी के लिए उन्हें गोल्ड मेडल भी दिया जाता है।
देखो माँ, तुम्हारे आशीर्वाद से मैं लॉ में फर्स्ट क्लास में पास हुआ हूँ। अमर, मेरे बेटे। अमर, अमर, क्या माँ की चिट्ठी आई है? जी, उन्हें जानकर बहुत खुशी हुई है कि मैंने आप जैसे मशहूर एडवोकेट के साथ एक असिस्टेंट के हैसियत से काम शुरू कर दिया है। ओ, आई सी। मैं कोर्ट जा रहा हूँ, ये फाइल देखकर नोट्स तैयार कर देना। जी, बहुत अच्छा। और हाँ, अपने क्लाइंट दीनानाथ जी को टेलीफोन कर देना कि अगली हियरिंग गुरुवार को है। यस सर। तो आज पिक्चर जाके क्या करोगी? आज पिक्चर, कल पिकनिक, दोनों जरूरी है। वाह वाह, पिक्चर और पिकनिक का कितना सुंदर प्रोग्राम है। ये कौन बदतमीज बोल रहा है बीच में? जो आपसे तमीज सीखना चाहता है। लिमिट है, न जाने कैसे लाए। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्या कहा? अर्ज किया है कि लाइन इसलिए क्रॉस हुई है कि हम और आप सही लाइन पर लग जाए। बकवास बंद कीजिए मिस्टर। ओफो, तुम क्यों उलझ रहे हो ऐसे सर फिरों से? उलझाने दीजिए, हम सुलझा देंगे, अगर ना सुलझा सके तो खुद ही उलझाएंगे। मैं कैसी हूँ, फोन रख दीजिए। जल्दी क्या है, पहले कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ हमारे बारे में पूछिए। आप स्टूपिड हैं, आवारा हैं, लोफर हैं। हम शरीफ हैं, जवान हैं, खूबसूरत हैं, पढ़े लिखे हैं, और अगर आपकी गालियों का तो खत्म हो गया तो एक डिक्शनरी प्रेजेंट कर दें आपको। शट अप। लेकिन इतना तो बताइए कि कल पिकनिक का प्रोग्राम कहाँ है? आपके सर में। मेरे सर में? बदतमीज, ये जंगली, न जाने कहाँ से छुटकर मेरी लाइन में घुसाते हैं। मेरी बेटी, तुम्हें कई बार समझाया है कि इतने जोर से मत बोला करो, गुस्सा मत किया करो, तेज मत चला करो। आंटी, आपको भी कई बार कहा है कि सीढ़ी मत चढ़ा कीजिए, जोर से मत बोला कीजिए, मगर आप है कि न तो अंकल की सुनती है न डॉक्टर की। अपने तबीयत का जरा भी ख्याल नहीं रखती आप। उफ, लिमिट है। आपके लिए आगे मैं अभी आती हूँ। आखिर ये क्या बदतमीजी है? आप कौन है, क्या चाहते हैं? ये क्या बात से बात निकाल रही हैं आप? सवेरे सवेरे किस पे गर्म हो रही हैं? मैं तो आपका खादिम हूँ, जेंट्स बॉन्ड ऑफ इंडिया 009। तो आप हैं, कहिए कुछ कामयाब। अजी, कामयाबी नाम की चीज इन मुट्ठी में है, क्योंकि मैं बात से बात निकालने में चैंपियन हूँ। इसीलिए तो दुनिया के सबसे बड़े जासूस 007 से 2 डिग्री आगे हूँ। फिर आपने वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया? अगर आपसे नहीं हो सकता तो काम छोड़ दीजिए। माफ कीजिए, आपको इस काम के लिए मुझसे अच्छा डिटेक्टिव दुनिया में नहीं मिल सकता, और सरकारी वकील की लड़की पुलिस में इत्तला कर नहीं सकती। अगर आप चाहती हैं कि मेरे काम की स्पीड तेज हो जाए तो आप अपने इंस्टॉलमेंट की स्पीड तेज कर दीजिए। मैं खुद अभी आकर आपका फैसला करती हूँ। फैसला? मगर सुनिए तो मैडम, मैडम रजिया। बड़ी जल्दी में हो बेटे, कहाँ जा रही हो? सॉरी अंकल, मैं जरा जल्दी में हूँ। बाय। ओके ओके, गो अहेड। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप कौन है? जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया 009। आप हैं? तो वो कौन है जिन्होंने मेरा केस लिया है, जिनसे अभी फोन पर बात हुई थी? मेरा असिस्टेंट 000। तो वो जीरो, आप हीरो। दरअसल आप लोग पत्ते धोखेबाज हैं, चालसाज हैं, बेईमान हैं, ठग हैं, 420। अगर मेरे असिस्टेंट से कोई गलती हो गई हो तो मैं गलती गलती नहीं हुई, बल्कि जानबूझकर मुझसे पैसे लूटने की तरकीब निकाली थी। और आज जब फैसला करने आई तो वो धागे दिन दबा कर। याद रखिए, मैं दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। जी हाँ, जरूर कीजिए, मैं भी करूंगा। बदतमीज आदमी है। जैसा गुरु वैसा चेला,
आप लोगों ने मिलकर गैंग बना रखा है, लेकिन मैं कहती हूँ, मेरी बात तो सुनिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं कह देती हूँ अगर मेरा काम फौरन नहीं किया गया तो आपके अगले महीने का इंस्टॉलमेंट नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये काम मैं अपने सपोर्ट करता हूँ। आइए बयान की। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, मैं आपके 000 का सारा केस बता चुकी हूँ। ये नहीं दिया अपना पिछला इंस्टॉलमेंट। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, अगर इतनी गर्मी थी तो कुछ ठंडा पी के जाती। पहली मुलाकात मुबारक हो। हद हो गई, अगर मालूम होता कि गालियों की बरसात करवाओगे तो कभी ना आता। भैया अगर तुम नहीं आते तो उनके सैंडलों की बरसात अपनी खोपड़ी पे हो गई होती। माय डियर फ्रेंड, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि माला देवी मशीन गन बंद कराएंगी। माला जैसी खुद वैसा ही सुंदर नाम, लेकिन ये है कौन? लो, वकील होकर तुम इन्हें नहीं पहचानते? अरे भाई, अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सुपुत्री मिस माला भी है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर रामनाथ की बेटी और काम उनका तुमसे, मतलब? अब मतलब बड़ा गहरा है इसलिए नहीं बता सकता। जिस तरह तुम वकील लोग अपने क्लाइंट के मामला दूसरों को नहीं बताते, इसी तरह हम डिटेक्टिव भी अपने मामला खुफिया रखते हैं, यानी कि टॉप सीक्रेट। You're right. ये नोट इस कोर्ट में शोभा नहीं देते। माफ कीजिए मिस्टर 000, इन नोटों पर अब मेरा हक है आपको उनसे बचाने और खुद गालियां खाने की फीस। मगर दिल छोटा मत करो, ये नोट अगले संडे हम दोनों अपनी खुशी पर खर्च करेंगे। ए मिस्टर राजदूत, तो आपने जानबूझकर ये हरकत की है? हरकत तो अनजाने में हुई है, मगर इसी बहाने आपके दर्शन हो गए। आइए बैठिए। सीधी तरह से अपना टेंट हटाइए यहाँ से, ये जगह हमारी है। मान लिया ये जगह आपकी है, मगर पहले इतना बताइए कि ये टेंट हटाकर लगाएगा? इतनी जगह पड़ी है और नहीं तो अपने सर में डालिए। सर में? अरे ये तो वही आवाज है, पिक्चर आज पिकनिक कल। क्या हसीन इत्तेफाक है। तो आप है जो शराफत भूल कर फोन पर शरारत करते हैं। अब इजाजत हो तो इस कयामत के सामने दिल को सलामत रखने का तरीका भी पूछ लूं। शट अप, आखिर आपने समझा क्या है? मैं आपका दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। शांति शांति शांति, युद्ध नहीं संधि, समझौता, सीज फायर। अभी समझाती हूँ सीज फायर। देखा, आप दूर रहना चाहती हैं, मगर भगवान चाहते हैं कि दो जवान दिलों का मिलाप हो। तुम हो जवान हम हैं, ये प्यार तुमसे हो गया है। जवान तुम हो जवान हम हैं, ये प्यार तुमसे हो गया है। मिलन का एक पल गजब खुदा का, जिगर में नश्तर चुभ गया है। जवान तुम हो ना, जाओ पड़ेंगे चारे। ये गर्म रेती ये पाँव नाजुक, अजी ना जाओ पड़ेंगे चाले। मेरी उम्मीदों का तुम हो सूरज, मेरी उम्मीदों का तुम हो सूरज, तुम्हारे दम से है ये उजाले। जवान तुम हो जवान हम हैं, ये प्यार तुमसे हो गया है। मिलन का एक पल गजब खुदा का, जिगर में नश्तर चुभ गया है। जवान तुम हो है ठंडक जो मेरे सीने की आग में है।
झलक जो मेरे सीने की आग में है, वो गीत मौजों में कब मिलेगा, वो गीत मौजों में कब मिलेगा जो मेरे सांसों के राग में है। जवान तुम हो जवान हम हैं, ये प्यार तुमसे हो गया है, मिलन का एक पल गजब खुदा का जिगर में नश्तर चुप हो गया है। जवान तुम हो तुम हो जवान हम हैं, ये प्यार तुमसे हो गया है, मिलन का एक पल गजब खुदा का जिगर में नश्तर चुप हो गया है। जवान तुम हो जवान हम हैं, ये प्यार तुमसे हो गया है, जवान तुम हो। That's ये आपने मुझे बुलाया मिस्टर मेहता? हाँ मैम। सरकारी वकील मिस्टर रामनाथ को उस केस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये फाइल उन्हें पहुंचा था और ये इन्विटेशन में दे देना जी। वैसे फोन पे बात हो चुकी है, कहना कि फैमिली के साथ जरूर तशरीफ लाए। सर माला, हर चीज दिनों दिन महंगी होती जा रही, माल मिलता नहीं। मेरा तो ख्याल है तुम उस नौजवान को फौरन बुक करा लो। किस नौजवान को? अरे वही जवान तुम हो जवान हम हैं, ये प्यार तुमसे हो गया है। माला जाने खंडित पर, वरना इस उम्र में ऐसे खूबसूरत काबिल तेज लड़की जिधर से निकल जाए आग लगाती चली जाए। आग तो दोनों तरफ लगी होगी मगर हमसे छुपा लिया, वरना हमने से किसी को आज तक ऐसा खूबसूरत और स्मार्ट नौजवान घर नजर देखा भी नहीं। लिमिट है, तुम लोग तो कभी पागल हो गए। अच्छा जी, दिन दहाड़े लोगों के सामने टकराओ तुम और पागल कहलाए हम? मैम साहब, मैं टकराई नहीं थी, टक्कर होगी। वही तो अर्ज फरमा रही हूँ मिस साहिबा, मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। मुझे इससे मोहब्बत नहीं, नफरत है, क्योंकि वो इज्जत नंबर वन झगड़ालू और पढ़ने के लिए सबक कमी। आपकी तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ तो सिलसिला यहाँ तक कर चुका है, यानी कि अपॉइंटमेंट है फिक्स होने लगे। अच्छा, अब आप यहाँ कौन से बदतमीजी करने आए हैं? आपका मतलब है यहाँ जो भी आता है बदतमीजी करने भी आता है? क्या मैं पूछ सकती हूँ आप यहाँ तशरीफ क्यों लें? जी वो अगर आप ना भी पूछे तो बताना मेरा फर्ज है। वैसे छोटी सी दरखास्त है आपसे, अगर एक कप चाय आप भिजवा दें तो। आप क्या समझते हैं ये घर आपके पिता का है? हो सकता है। क्या जी? नहीं, आपके पिता का। आई से गेट आउट। माला, ये सब क्या हो रहा है? अंकल, अंकल जी। जी नमस्ते। नमस्ते जी, मुझे मिस्टर मेहता ने भेजा है ये फाइल देकर। उनके जूनियर हो ना? जी। मारा देखे दो कप चाय तो मेरा भिजवा देना। जरा शक्कर ज्यादा। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया है। इस बार फिर मेरी और मेहता की मुठभेड़ होगी। बड़ा काबिल आदमी जी। और ये इनविटेशन कार्ड भेजा आपके लिए। हाँ, उनकी मैरिज एनिवर्सरी है।
उनसे कहना खूब बढ़िया खाना बनाए, हम सारे परिवार को लेकर आ रहे हैं। जी बहुत अच्छा। Congratulations on your wedding anniversary. आइए रामदास। Hearty congratulations on the very happy occasion. Thank you. Thank you very much. कॉन्ग्रेचुलेशन स्माइल के लिए बड़े लाजवाब पॉइंट निकाले हैं। ये कमाल तुम्हारे जूनियर ने किया। अरे भाई अमर सर, रामनाथ जी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं। बड़े अच्छे ढंग से केस स्टडी किया है। काबिलियत है, तुमने जरूर तरक्की करोगे। थैंक यू सर, गुड लक। थैंक यू। आप भी लड़की हैं, आप भी लड़की हैं, इसलिए आप सब लड़कियों की खुशी के लिए बजा देता हूँ। अब तो आप खुश हैं? मिले थे। आप जानते हैं किसका इंसल्ट कर रहे हैं? जी कुछ जानता हूँ कुछ जान जाऊंगा। फरमाइए। ए मिस्टर, ये म्यूजिक और डांस में चैंपियन है, स्विमिंग और राइटिंग में भी चैंपियन है, ड्राइविंग और ग्लाइडिंग में भी चैंपियन है, और फाइटिंग में भी चैंपियन है। जो भी हो, आप रोमांस में चैंपियन नहीं, और जो रोमांस या प्यार में चैंपियन ना हो तो सुरों पर उंगलियां चला तो सकता है, मगर संगीत में दिल की भावना नहीं ला सकता। ऐसा है तो आप आइए और संगीत में दिल की भावना लाकर दिखाइए। अजी हम तो वकालत सीख रहे हैं, संगीत से हमारा क्या नाता? नाता तो तब हो जब कुछ आता जाता। वैसे कहते हैं कि जो दिल प्यार को पहचानता है वो बिना सीखे भी संगीत जानता है। बातें मत बनाइए, बजा के दिखाइए। आइए। अगर आप लड़कियां तो मुझे परेशान करी नहीं है तो आप सुन, आपकी बात में कैसे डाल सकता हूँ? फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया।
फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। शराब है, तुम्हें याद है ना? याद है आंटी, लेकिन इस बार शराब गांव में करना होगा। पंडित जी ने कुछ ऐसे ही योग निकाला है। बीमारी के कारण मैं तो जा नहीं सकती, तुम्हें चले जाओ ना। ठीक है आंटी, जब से आई हूँ एक बार भी तो गांव नहीं गई। चलो तुम्हारे जाने की तैयारी कर दो। सामान भेजा है, उनकी तबीयत इस बार ठीक नहीं थी इसलिए मैं आई। कोई बात नहीं, मैं सब बंदोबस्त कर चला। फिर हो बेटी, अपनी स्वर्गवासी माँ के नाम पर तुम बड़े पुण्य का काम कर रही हो, इससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। Thank you.
घर आप यहाँ? मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यहाँ मेरा घर है। यहाँ मेरा भी घर है। देखिए इन हरकतों का नतीजा अच्छा नहीं होगा। आप हमेशा धमकी देती हैं, कभी कुछ करके भी दिखाइए देवी जी। ये बातें तो अभी दिखाती हूँ। चाची जी, चाची जी। क्या है बेटी? देखिए ये पढ़े लिखे आवारा माशे मुझे परेशान करने के लिए यहाँ तक आ पहुँचे। देखिए मुझे आवारा कहा तो मैं भी आपसे कुछ कह बैठूंगा। अरे अरे क्या हुआ, तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? झगड़ा करना इनकी आदत है। झगड़ा करना आपकी आदत है? अजीब बात है, या तो तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है या जानबूझकर अनजान बन रहे हो। एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। चाची जी मैं खूब अच्छी तरह से पहचानती हूँ, ये बंबई से मेरा पीछा करते हुए आ रहे हैं। लेकिन बचपन में तो तुम इसके पीछे पीछे फिरा करती थी। क्या मतलब, तुमने इसे पहचाना नहीं? नहीं। अरे तुम दोनों बचपन में साथ साथ स्कूल जाया करते थे, साथ साथ खेलते थे और ऐसे ही झगड़ते थे। माला
अब तो मेरी जिंदगी हो, सपनों में देखा था जिसको, साथी पुराने तुम ही हो, पहले कभी अजनबी थे, अब तो मेरी जिंदगी हो, सपनों में देखा था जिसको, साथी पुराने तुम ही हो। बातियां अरमान की बच गई, अजब इत्तेफाक है, दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। चोरी करेगा तो सारी जिंदगी जेल में बीतेगी। चल भाग जाए यहां से। क्या हुआ? कुछ नहीं, इस लड़के को देखकर गोपाल भैया की याद आ गई। गोपाल? मैं डिटेक्टिव की हैसियत से नहीं बल्कि एक दोस्त की हैसियत से तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। दोस्ती के नाम पर तो जान हाजिर है, ये लो। लेकिन ये रिपोर्ट पढ़कर तुम्हें खुशी नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि गोपाल की बचपन की आदत बढ़ते बढ़ते गुनाह बन चुकी। सन 50 में चोरी की तो पूना जेल में 3 साल काटे, वहां से छूट कर आया तो मद्रास में डकैती के सिलसिले में फिर दाखिले दफ्तर जेल हुआ, उसके बाद वहां से रिहा हुआ तो हैदराबाद में एक नवाब साहब पर चाकू से हमला कर दिया। लेकिन अफसोस तो यह है कि इस बार वो पकड़ा नहीं जा सका। बात से बात निकली कि अगर जेल में होता तो उसके मुकाम का पता चल जाता। वो जिस भाई से मिलने के लिए तड़प रही है, उस बहन के सामने एक देखता भाई की जगह जब एक पेशेवर अपराधी आएगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? देखो, अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो माला से कुछ मत कहना, उसे कुछ मत बताना। I'm a dog.
my sweetheart. Come here, sweetheart, my sunny. क्या हुआ? मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत तो ये रॉकी है. तब से इंतजार कर रही हूँ और मेरी तरफ देखा भी नहीं. I'm sorry, darling. तुम तो मेरी दुनिया. सोता हूँ तो तुम्हारी याद ले, जागता हूँ तो तुम्हारा नाम. यकीन नहीं तो सबूत हाजिर है. ओह वंडरफुल, कितना खूबसूरत है ये. तुम्हारी खूबसूरती ने इसमें चमक पैदा कर दी. लेकिन ये तो बताओ कि इस तरह छिप छिप कर हम कब तक मिलते रहेंगे? कब दुनिया के सामने मुझे अपनी दासी बनाओगे? दासी नहीं, रानी. दौलत तुम्हारे कदम क्यों है? जिस चीज की तरफ तुम्हारी नजर उठ जाए वही हाजिर खिदमत. कभी लंदन, कभी पेरिस, कभी न्यूयॉर्क और कभी टोक्यो. हम और तुम दो बदन मगर एक जान. मोहन, कब ये सपना पूरा होगा? कब आएगा वो वक्त? वक्त आएगा नहीं, लाया जाएगा. रास्ता मैंने बना दिया. दिखाओ तुम और चले तुम्हारे पिताजी तो फिर बन जाना. लेकिन कैसे? Important information regarding Janki. Janki? Come immediately, Munim. Kali Charan? Ji, Maji ka aya. Suno, main do din ke liye ek zaruri kaam se bahar ja raha hoon. Bibi ji hain, tumse keh dena. Ji, Maji. Ye sab main kya sun raha hoon? Munim ji, आप तो मेरी मां नहीं है. सच सच बताइए क्या हुआ था? छोटे बाबू, जब आप बैरिस्टरी पास करने बुलाए जा रहे थे. सुखी रहो बेटा. अटेंशन प्लीज, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल कॉल फॉर मिस्टर रामनाथ, पैसेंजर फॉर लंदन. अच्छा मां, प्लीज रिपोर्ट टू द एयर काउंटर. थैंक यू, बाय बाय. नाम पुकारा जा रहे हैं छोटे बाबू. लेकिन मुनीम जी, जानकी अभी तक क्यों नहीं आई? आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा. रानी मां रही. क्या बात है बेटा, कुछ भूल आए हो क्या? मैं कुछ नहीं भूलाया, मगर माँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ. कहो कहो. मैं लास्ट में मिस्टर रामनाथ प्लीज. अच्छा मैं खत लिखूंगा. अच्छा बेटी मुनीम जी, राम इतना बेचैन क्यों था? बेचैन होने की तो बात ही है रानी मां. देश छूटा, घर छूटा, माँ छूटी. और कौन छूटा जी? मैं समझा नहीं रानी मां. बकमत, मैं पूछती हूँ राम को किसका इंतजार था? शर्म नहीं आती? इतने बरसों से हमारा नमक खा रहे हो और हमें से झूठ. क्या राम को बंसीलाल की भतीजे जानकी का इंतजार नहीं था? जी हाँ रानी मां. भगवान कसम रानी मां, अगर मैं जानता तो उसे जमीन में गाड़ देता. चुप रहो, ये मत भूलो कि तुम्हारे दस्तखत किए हुए कागजात के जरिए मैं तुम्हें जेल भिजवा सकती. नहीं 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 रानी मां, मैं आपके पांव पड़ती. मेरे अपराध की सजा मेरे चाचा जी को मत दीजिए. जानकी, कान खोल कर सुन लो. मैं राम की शादी एक ऊंचे घराने में तय कर चुकी हूँ. नहीं नहीं, आप ही स्त्री, एक माँ है. अगर आप ही मुझे ठुकरा देगी तो मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? मैं भी माफ़ है. गोलका, कलकली, ये तूने क्या किया? बंसीलाल, छोड़ दो इसे. जानकी, पाप छुपाने के लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दे सकती. नहीं रानी, एक माँ अपनी ममता का गला नहीं घोल सकती. तो भलाई इसी में कि तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ और जब राम वापस आए तो उसे यकीन करना पड़े कि तुम मर चुकी हो. नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकती. तो ये कर सकती हो. जिस चाचा ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसका बुढ़ापा जेल में भी दिया. नहीं नहीं रानी मां, नहीं. आप जो चाहती है वही होगा. मुनीम जी, राम को खत लिख दो कि जान के एक दुर्घटना में मर गए. इसका मतलब ये कि आप, माँ, भगवान सबने मुझे मिलकर धोखा दिया. आपने माँ के कहने पर मुझे झूठा खत लिखा के जानकी मर गई.
बताइए वो कहाँ है, किस हाल में है? काश मैं कह सकता कि जानकी जिंदा है। एक लड़के को जन्म देकर उसी वक्त गुजर गई बेचारी। लड़का बाबू वो खैरियत से बंबई में रहता है और वो जानता है कि आप उसके पिता हैं। मुझे जानता है और आपकी पत्नी शोभा देवी के ख्याल से मैं उसे मिलना चाहता हूँ किसी वक्त। क्या नाम है उसका, पता क्या है? इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। ये रहा उसका नाम और पता। मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। अच्छा अब मैं चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आ आ आप आराम कीजिए, कोई उठने की जरूरत नहीं। थैंक यू। बाबा आपने मेरी बात रखी, कितना अच्छा किया आपने। मालूम नहीं बेटा मैंने अच्छा किया या बुरा किया, सब कुछ तेरे लिए किया। गांव से आ रही है, उन्हें लेने जा रहा हूं। आई सी, बाय। मां, बेटा यही है मेरा बेटा अमर। जी नमस्ते, चलो घर चलो। नहीं बेटी, अब मैं इन लोगों के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ, वापसी पर तुम्हारे पास जरूर थे। चलो जानकी बहन, गाड़ी का वक्त हो गया। अच्छा बेटी, हाँ मैं छोड़ के आता हूँ। तुम नहीं जानते कि मैं आपको, कौन नहीं जानता, आप सरकारी वकील हैं, इज्जत दौलत शहरत क्या नहीं है आपके पास। तुम यहां कब से रहते हो? कई साल हो गए। क्या काम करते हो? बिजनेस,
तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? क्या मैं पूछ सकता हूँ मेरे बारे में ये सब जानकारी आप क्यों चाहते हैं? इस सवाल से मेरा गहरा ताल्लुक है। शायद तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे पिता कौन है। मैं मालूम करना भी नहीं चाहता। औलाद उस पिता को पिता कहकर कैसे पुकारे जिसने अपने जीते जी बेटे को यतीम बना दिया हो। मैं तुम्हारा वही बदकिस्मत बाप हूं। काश कि ये सच्चाई मुझे कभी मालूम ना हो। लेकिन बेटा मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं। जो कुछ हुआ मेरी मां की वजह से हुआ। अब इन बातों से कोई फायदा नहीं। मैं खुद मुख्तार कनाता किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं जाता। मैं हाथ जोड़ता हूं आप मेहरबानी करके जाइए। बेटा मैं भी इंसान मेरे भी दिल है। जो कुछ हुआ वो वक्त की बेरहमी का नतीजा है। अब मेरा प्रायश्चित यही है कि मैं तुम्हें तुम्हारे अधिकार दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहूं कि तुम ही मेरे बेटे हो मेरे वारिस हो मेरे खानदान के चिराग। दुनिया ये चिल्ला चिल्ला कर कहे आपकी इज्जत शोहरत जिस बुनियाद पर कायम है वो महज एक धोखा है फ्रेड है। आपने एक औरत को धोखा दिया। उस मंदिर में शादी करके आपने उसे छोड़ दिया। आपने दूसरी औरत को भी धोखा दिया। समाज के सामने उससे शादी करके अपनी पहली पत्नी का राज उसे छुपाया। सोचिए जब आपकी पत्नी को यह सब कुछ मालूम होगा तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। आपके घर की सुख शांति क्लेश और दुख के भवन में डूब जाएगी। आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे पिताजी। उसे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बाप ही क्या जो औलाद की मोहब्बत के सामने अपनी शोहरत और इज्जत की परवाह करे। वो औलाद क्या जो दुनिया के सामने बाप को जलील होते हुए देखे। मुझे तुम पर नाज है बेटा। लेकिन मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि तुम मुझको मिलकर भी नहीं मिले। खुशी और गम के दरमियान कितना जरा सा फासला है। मुझे माफ कर दो बेटा। माफ करना भी कोई कम सजा नहीं है। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। न जाने जोश में क्या क्या कह लिया। हो गया था कि खून का नाता कभी नहीं टूट सकता। बेटा पिताजी चिंता के मारे प्रांग सूख रहे थे। क्या बात है आप कुछ परेशान नजर आते हैं। ऐसे ही एक केस बिगड़ सा गया है। मैम साहब अपना कोट भूल गए। भयंकर भूचाल की वजह से कोयना में जो जान और माल का नुकसान हुआ है उसके लिए देश भर में सहायता के काम हो रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए। कोयना रिलीफ के लिए भरसक प्रयत्न करना हमारी बार एसोसिएशन का भी पहला कर्तव्य है ऐसा मेरा विचार है। आपकी बात से हम लोग सहमत हैं। मेरे ख्याल से हमें एक स्टेज शो करना चाहिए ताकि लोग टिकट खरीद कर हमें ज्यादा से ज्यादा रकम दे सकें। बहुत अच्छा ख्याल है बहुत अच्छा ख्याल है। और इस काम को निभाने के लिए हमारे नौजवान लॉयर मिस्टर अमर से बेहतर और कौन हो सकता है। थैंक यू सर। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये प्रोग्राम कामयाब रहे।
एक का पंजाब घर है, एक का मद्रास डेरा। आग में जलता बिहार, जोश में बंगाल है, उस तरफ देखो के सरहद पर खड़ा भूचाल है। Yeah.
बाहर निकाली तो ये गलत है। अरे ये चाहती हो तो अपनी सब चीजें मेरे हवाले कर दो जल्दी। अरे बिंदारे जाकर इधर ओपरी ये है मेरे कार्ड और ये रहा आपका सामान। इट्स ऑल राइट थैंक यू बाय 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 बाय। बिल्कुल रियल नकली क्या असली की बात लेकर आया है मेरा असिस्टेंट। असली लड़की की नाजुक उंगली में नकली अंगूठी क्यों जमेगी। वेलकम वेलकम स्वागतम। पता रही है मिस लक्ष्मी। सॉरी डाली मेरा नाम लक्ष्मी नहीं छाया है। हाँ छाया अभी याद आया। ओह कितनी खूबसूरत अंगूठी है। ये लक्ष्मी और तुम छाया मैंने तुम्हें पहनाया और अपना बनाया। मोहब्बत में मुसीबत मालूम होता कोई क्लाइंट है अभी टाल कहता हूँ। दादी मैं उसको टाल नहीं सका वो माल लेकर आया जरा प्राइवेट मामला है कहीं उसको शक न हो जाए तब तो तुम बाथरूम में छुप जाओ। मैं बेडरूम में हूँ। अकेले कब तक दो मिनट का मामला है तुम जाओ तो सही। मेरा नाम माया। तुम क्या कर रही हो। ये तो बेडरूम है बाद में दिखाओ ना पहले उधर आओ। ए यहाँ आके बैठो बैठो। अरे ये तुम्हारे टेबल पे लेडीज अंगूठी। हाँ तुम्हारे ही लिए लाया। ये लक्ष्मी और तुम माया मैंने तुम्हें पहनाया और अपना बनाया। मन में तो अंडे वाला आ गया। तो क्या हुआ। अरे बाबा अंडे वाला मेरा अंकल है होलसेल का व्यापारी है। ऐसा करो तुम जब तक अंदर छुप जाओ मैं बाहर के बाहर पटाने की कहीं जाओ जाओ बाबा। ओ ओ क्या मुसीबत है दोनों अरे वाह क्या टाइम पे घंटी बजाई है मिस काया। काया ये नाम काया नहीं लक्ष्मी। लक्ष्मी ओह लवली व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस एंड ब्यूटीफुल रिंग। जिंदगी में पहली बार पहली अंगूठी तुम्हें पहना रहा हूँ। तुम लक्ष्मी और ये माया मैंने तुम्हें पहनाया और अपना बनाया। ओह क्या हुआ। मालूम होता मेरे फादर का बड़ा ब्रदर आ गया ऐसा तुम लोग छुप जाओ। कौन है।
बहुत मिल गई क्या? तीनों की तीनों मिल गई, बिल्कुल अतुलित की तरह। ये देखिए, अबे ये क्या है? ये एक एक रुपए वाली नकली मूर्तियां हैं। ये आप लड़कियों को पहनाइए और असली पुलिस में जमा करवा के इनाम पाइए। क्या हुआ? अबे नकली समझ कर असली पहने बैठे, अब क्या होगा? इनाम की छुट्टी साथ में। आखिर जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया 009 हूँ। पका खाली डब्बा। मेरी लक्ष्मी तू ही मेरी छाया, दुनिया में आया तो तेरी खातिर आया, वो लक्ष्मी छाया। तू ही मेरी लक्ष्मी तू ही मेरी छाया, दुनिया में आया तो तेरी खातिर आया, वो लक्ष्मी छाया। जानी की तू जानी हाथ बड़ा दीवानी, प्यार का तू सपना तू है मन की रानी। जानी की तू जानी हाथ बड़ा दीवानी, प्यार का तू सपना तू है मन की रानी। तेरा ही तराना मैंने हरदम गाया, दुनिया में आया तो तेरी खातिर आया, वो लक्ष्मी छाया। तू ही मेरी लक्ष्मी तू ही मेरी छाया, दुनिया में आया तो तेरी खातिर आया, वो लक्ष्मी छाया। पतली उंगली प्यारी प्यारी उंगली, जैसे लेडी फिंगर या मजनू की पतली। पतली पतली उंगली प्यारी प्यारी उंगली, जैसे लेडी फिंगर या मजनू की पतली। मैंने तुझको देखा दिल मेरा ललचाया, दुनिया में आया तो तेरी खातिर आया, वो लक्ष्मी छाया। तू ही मेरी लक्ष्मी तू ही मेरी छाया, दुनिया में आया तो तेरी खातिर आया, वो लक्ष्मी छाया। कलाई जैसे दूध मलाई, जागी उसकी किस्मत जिन हाथों में आई। गोरी ये कलाई जैसे दूध मलाई, जागी उसकी किस्मत जिन हाथों में आई। तेरी हर अदा पर घर अपना लुटाया, दुनिया में आया तो तेरी खातिर आया, वो लक्ष्मी छाया। तू ही मेरी लक्ष्मी तू ही मेरी छाया, दुनिया में आया तो तेरी खातिर आया, वो लक्ष्मी छाया। वो लक्ष्मी छाया वो लक्ष्मी छाया वो लक्ष्मी छाया। कोर्ट में मुकदमा पेश है। कोर्ट लेकिन नहीं, यह है योर ऑनर जज साहब,
मेंबरान ज्यूरी, दर्शक और ये खड़ा है बेचारा निर्दोष अपराधी। ओ, इनका अपराध मुकदमे का कारण? कारण बहुत विशाल है। ये साहब जस साहब की गोद ली हुई लड़की से प्रेम करते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन गोद ली हुई लड़की जज साहब की? जज नहीं है तो प्रोसिक्यूटर, लेकिन इस केस में जज है क्योंकि फैसला इनके हाथ में। ऐसा है तो तुम खुद, यानी ये अपराधी महाशय इस मुकदमे का निपटारा अदालत से बाहर ही क्यों नहीं कर लेते? लेकिन ये काम बाहर बाहर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? अपराधी जज साहब के पास जाए और कहे ये झूठ है, अन्याय है, मैं अपराधी नहीं हूँ, प्रेम करना कोई पाप नहीं है, सजा देने के बदले आपको तो चाहिए कि आप मुझे पुरस्कार दें, मेरी प्रेम का मूल समझे। अगर जज साहब इन्हें मिलने से इनकार कर दिया तो? उस लिमिट है, ऐसा भी क्या बुजदिल प्रेमी। एक आसान तरीका मैं बताती हूँ, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है, जन्मदिन की पार्टी में तुम जरूर आओगे। ये मैं और तुम इस मुकदमे में कहाँ से आ गए? मेरा मतलब है जब पार्टी खत्म हो जाए और मेहमान लोग चले जाएं, तो अपराधी जज साहब के सामने चला आए और साफ साफ कह दे। अजी अपराधी महाशय, इनकी सलाह के बारे में क्या विचार है आपका? जी क्या फरमाया? साहस नहीं है आप में, उप लिमिट है। अजी साहब मर्द बनिए मर्द, अपनी प्रेमिका को हासिल करने के लिए इतना भी नहीं कर सकते तो शादी के बाद क्या करेंगे? जी क्या कहा? कहेंगे साहस है आपने। क्या बात है। हाँ ठीक ही कहा तुमने, माला की शादी का ख्याल ही अब मेरे मन में हर वक्त घूमता रहता है। तो फिर कुछ सोचा आपने? हाँ हाँ सोच रहा हूँ, जल्दी कुछ ना कुछ फैसला करना पड़ेगा। देखिए फैसला करने से पहले मेरी राय ले लीजिएगा, अपनी एक ही तो लड़की है, मैं जल्दी में किसी लड़के को पसंद करने वाली नहीं हूँ। समझ गया, लड़का ऐसा होगा जो न सिर्फ तुम्हें और मुझे बल्कि माला को भी पसंद। हेलो मिस्टर जेम्स बॉल ऑफ इंडिया 0009 9 9 9। अम्मा हद हो गई, जब दोस्त ही जीरो कहेंगे तो दुनिया का हाथ जीरो कहेगी। परेशान क्यों होते हैं, आपको सारी दुनिया मानती है, तभी तो मैं आपको इनवाइट करने आई हूँ। इनवाइट कहाँ, किस सिलसिले में? पांच से बात निकली कि संडे को मेरी बर्थडे पार्टी है और आपको जरूर आना पड़ेगा। बर्थडे? कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस में, मैं जरूर जरूर हाजिर रहूंगा। हाजिर तो हो गए लेकिन इन्हें प्रेजेंट क्या दोगे? प्रेजेंट तो दे चुका हूँ, अपना दोस्त। बात से बात निकली, ये रहा प्रेजेंट। ये क्या है भाई? मेरे प्यारे भैया गोपाल, तुम कहाँ हो, कैसे हो, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जब तुम्हारी याद में आंसू नहीं बहाती। अगर तुम्हारे मन में अपनी अभागी बहन के लिए जरा भी स्नेह है, अगर एक भाई का कर्तव्य है कि वो बहन की राखी का मोल चुकाए, तो आज मैं तुमसे झोली फैला कर भीख मांगती हूँ कि तुम जैसे भी हो जहां भी हो एक बार मुझसे मिलने जरूर आओ। नहीं नहीं, मैं बदकिस्मत में बहन कहकर भी नहीं पुकार सकता, और नहीं मैं वो गोपाल हूं जिसे तुम भाई कहकर पुकार सको। मैं तुम्हारे पास भी नहीं आ सकता, मैं अपनी ममता के लिए तुम्हारी खुशियां नहीं मिटा सकता। वाला मैं तुम्हारे लिए मर गया, मेरी बहन मुझे भूल जा, मुझे भूल जा वाला। चीयर्स। राम सिंह, जी सर। राम सिंह, आज मैं बहुत खुश हूं, लाजवाब फूलों का एक शानदार गुलदस्ता लाओ, आज उनकी बर्थडे है। माफ कीजिए साहब, किनकी बर्थडे? सरकारी वकील रामनाथ जी की बेटी माला की। तुम जियो हजारों साल। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्या जालिम लग रही हो, काश की मैं लड़का होती तुम्हें भगा नहीं देती। भगाने वाले तो आ रहे हैं, मिस्टर
जवान तुम हो जवान हम हैं, क्यों आ रहे हैं ना? अरे शाबाश आ गए मोहन, और ये मेरी पत्नी। अच्छा जाओ तुम मेहमानों की देखभाल करो, मैं आओ बैठे। ये मिस्टर मोहन मेरे अजीज, और कुछ दिनों के अंदर मैं इनके और ये मेरे और भी नजदीक आने। बेहद खुशी हुई आपसे मिलकर, जन्मदिन मुबारक हो, ये दिन बार बार आए। अमर मैं कितनी खुश हूँ तुम्हारे। आप सब लोग कह रहे होंगे जन्मदिन मुबारक हो, ये दिन बार बार आए, लेकिन मैं समझता हूँ आज का दिन उसी रोज मुबारक हो गया था जिस रोज को तुमने जन्म लिया। थैंक यू। मैं तुम अंकल से मिलाऊं। अमर जी नमस्ते। नमस्ते अंकल, आप मिस्टर अमर को एक वकील के नाते जानते हैं, लेकिन ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। तब मैं इतनी सी थी, हम साथ साथ स्कूल जाते थे। ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। आओ, तुम कहाँ बीच में आ रहे हो भाई? ड्राइवर के यहाँ क्या काम? चलो निकलो, बाहर निकलो, चलो चलो चलो। रहने दीजिए। माफ कीजिएगा, इस गरीब की शुभकामनाओं को अपमान न समझिएगा। थैंक यू। अब सुनो, नाम क्या है तुम्हारा? जी राम सिंह। आपके भाई को तलाश करने के लिए जो फार्मूला मैंने निकाला है उसके मुताबिक आपका भाई गोपाल अगर पढ़ा लिखा है तो मेरे एडवर्टीजमेंट को पढ़कर आपको मुबारकबाद देने जरूर आएगा। सुनो, यहाँ के हर आने वाले पर पूरी तरह नजर रखो। अटेंशन प्लीज, अटेंशन अटेंशन, सुनिए, आपका तशरीफ लाए, माला को उसके जन्मदिन पर मुबारकबाद दी, आशीर्वाद दिया। मैं माला की तरफ से, शोभा और अपनी तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इस खुशी के मौके पर मैंने माला को कोई उपहार नहीं दिया, इसलिए कि जो कुछ मेरा है वो सब उसी का तो है, लेकिन अब मैं उसे एक ऐसा उपहार देना चाहता हूं जो इस वक्त उसका नहीं है, लेकिन मिल जाने पर जीवन भर उसका होकर रहेगा। एक सयानी लड़की के लिए सबसे अच्छा उपहार क्या हो सकता है? जीवन साथी। और मैं अपनी माला को एक ऐसा जीवन साथी दे रहा हूं जिसे पाकर वो अपने आप को सराहे। सुंदर, पढ़ा लिखा, काबिल, खानदानी, मोहनचंद। उस मोड़ पर लूटा गया है कारवां दिल का, जहां से दो कदम ही फासला बाकी था मंजिल का।
साहब ने याद किया। फरमाइए। राज, तुम नहीं जानते, माला सिर्फ मेरी दौलत की हकदार नहीं, समाज में मेरी इज्जत की भी जिम्मेदार है। अगर मैं कहूं कि मैं नहीं जानता तो क्या फर्क पड़ेगा? मैं पूछता हूं, माला से तुम्हारा क्या वास्ता है? वास्ता हम दोनों के दिलों से ताल्लुक रखता है, आपकी इज्जत माला की दौलत नहीं। उसका ख्याल दिल से निकाल दो, हम दोनों बचपन के साथी हैं। लेकिन मैं उसकी शादी तय कर चुका हूं, वो मुझसे प्रेम करती है। शादी और प्रेम दो अलग रिश्ते हैं, शादी के बाद पिछला प्रेम टूट जाता है। शायद आपने भी ऐसा ही किया होगा, प्रेम किसी और से और शादी किसी और से। जबान बंद करो, जवाब दीजिए पहले। जिस माला को लाख प्यार से पाला पोसा, जिसने दुनिया की तमाम खुशियां निशावर कर दी, उसकी सबसे बड़ी खुशी आप क्यों छीनना चाहते हैं? उसे जीवन साथी चुनने का अधिकार क्यों नहीं देते? चुप रहो। ऐसी कौन सी खूबी है मोहन ने जो माला के लिए आपने उसे चुना? ऐसा कौन सा एहसान किया उसने आप में कि माला के उम्मीदों को रिश्वत के तौर पर दे रहे हो? बंद करो ये बकवास। उसके साथ आपका क्या संबंध है, क्या रिश्ता है कि माला का मासूम दिल रोने पर आमादा हो गया? मोहन का मुझसे क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हें क्या हक है मुझसे जवाब तलब करने का? इस पर किसका क्या हक है बखूबी जानते हैं मगर मानते नहीं, इसलिए कि आप ना मेरे पिता हैं और ना माला के। आपके दिल की धड़कन में संतान के प्यार की तड़प नहीं, आप एक जिद्दी सरकारी वकील नहीं बल्कि बेरहम इंसान हैं। दूसरे का दिल तोड़कर आप सुखी होते हैं, दूसरे के आंसू को देखकर आपको खुशी होती है। शायद आप आदत से मजबूर हैं और इंसान की आदतें उसकी खानदानी खून से बनती है। So you confirm the truth by your act. आपने अपनी खानदानी स्टेट का सबूत दे दिया, बस इतना सुन लीजिए कि जो आप कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मेरी मां ने मुझे बड़ों का आदर करना सिखाया है। और पिता ने क्या सिखाया है? अगर आप किसी के पिता होते तो जरूर इस बात का जवाब देता। कौन चाहिए? इतना लाल पीला होकर क्यों किया है? आपका इससे क्या संबंध है? मुझसे इसका क्या संबंध हो सकता है? फ्रिज, एयर कंडीशनर, फर्नीचर, बंगला, कार, बैंक बैलेंस, व्हिस्की, इज्जत और शराफत के नाम पर क्या नहीं मोहन के पास? जो कुछ है वो अपनी अक्ल और मेहनत की वजह से है, इससे भीख मांग के नहीं आया। भाई दिमाग हो तो थारो जाए, सरकारी वकील रामनाथ की बेटी से ब्याह पक्को करके थारी शराफत को परमानेंट बीमो करा लियो है। अरे इतना माटे आपदा खुदा ना नेक बिंदा आपने मुबारकबाद आप आया। हमें ना पहला कि पुलिस ने हमारे ऊपर शक था, हमने यहाँ नौकरी छोड़ी देनी चाहिए। कैन कैन ठीक है ना? अब आप लोग अपने काम के लिए दूसरे मोहन की तलाश कर लीजिए। मरे रे तुम्हारा मतलब सोचे बाबा? मतलब ये कि भाई माने की इतनी कमाई है आप लोगों के पास जो ईमानदारी से खर्च करने के लिए तीन पुश्तों तक काफी है। ठीक है, अगर तुम हमारे साथ काम करना नहीं चाहते तो बिजनेस के कागजात हमें वापस कर दो। मतलब बाबू बिजनेस के कागजात नहीं, आप लोगों की जन्म पत्रियां। कभी आप लोगों की नियत में फर्क आया, राहु केतु के स्थान बदलकर आप लोगों की दशा महादशा ठीक करनी पड़े। मोहन, मैं कहता हूं हमारे कागजात हमें वापस कर दो, वरना। थैंक यू रॉकी, जोश में होश मत खोइए वरना मेरे रॉकी की वफादारी का सबूत मिल जाएगा। मोटा से इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, अपन सब शरीफ आदमी है ना, तो मंगता है तो कागज का कुछ रुपया देने को हम तैयार हैं। कितना बोलो? 50,000। 50,000? अव्वल तो ये कागजात मैं आप लोगों को देना ही नहीं चाहता, लेकिन अगर आप लोग इसे खरीदना ही चाहते तो इसकी कीमत होगी 50,00,000। Get out!
अगर माला की शादी मोहन जैसे जालसाज और धोखेबाज के साथ हो गई तो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं अपनी बहन पर यह जुल्म होते हुए कभी नहीं देख सकूंगा। किसी तरह भी मुझे ये शादी रोकनी होगी, मगर कैसे 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 मैं ये शादी रोक सकता हूं? चीजें यहां से बरामद हो। ओ, तो तुम हो? नहीं 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 इंस्पेक्टर, मैं इन चीजों के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। राम सिंह उर्फ गोपाल, गोपाल उर्फ राम सिंह। क्या ड्राइवर राम सिंह मेरा भाई गोपाल है? तो फिर उसने मुझे बताया क्यों नहीं? आपकी इज्जत के ख्याल से वो ये कैसे बर्दाश्त करता है कि लोग आपको चोर पाकिट मार सजा याफ्ता की बहन कहकर बदनाम करें? बदनामी का रिश्ते से कोई संबंध नहीं होता। भैया मेरे राखी के बंधन को निभा, भैया मेरे छोटी बहन को ना बुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ए राम सिंह, तुमसे एक मेम साहब मिलने आई। मुझसे मिलने? कौन? सरकारी वकील की बेटी माला देवी। नहीं नहीं, उन्हें यहां मत आने दो, मैं किससे मिलना नहीं चाहता। इसलिए कि मैं तुम्हारी बहन। बहन? आप? इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है कि बड़ा भाई छोटी बहन को आप कहकर पुकारे। आपको गलतफहमी हुई है। कहां आप, कहां मैं? एक मामूली ड्राइवर, चोर, खूनी। ये झूठ है गोपाल भैया। मेरा नाम गोपाल नहीं, राम सिंह। तुम जो कुछ कह रहे हो मेरी तरफ देखकर कहो गोपाल भैया। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जिस भाई की आप जैसी देवी बहन हो, उस भाई से ज्यादा भाग्यवान और इस दुनिया में और कौन हो सकता है? और उस बहन से ज्यादा अभागिन कौन हो सकती है जिसका सगा भाई भाई होने से इनकार करे? ये सब गलत है, बेबुनियाद है। भाई होकर बहन को ठुकरा रहे हो
और वो भी आज के शुभ दिन, जिस दिन के लिए हर बहन जीवन भर इंतजार कर सकती है। ये देखो, आज वो दिन है जब भाई की कलाई पर ये कच्चा धागा बांध कर एक बहन उससे दुनिया की हर खुशी मांग सकती है। मैं आपका भाई नहीं हूँ। अगर भाई बहन का पवित्र प्रेम भगवान का मजाक है तो ठीक है, न तुम मेरे भाई न मैं तुम्हारी बहन। अगर अटूट बंधन का ये कच्चा धागा टूट सकता है तो भाई बहन के खून का पवित्र नाता भी टूट सकता है। अगर तुम स्वीकार करना भी चाहते तो समझ लो कि तुम्हारी एक बहन थी लेकिन वो बहन मर चुकी है। माला, मेरी बहन। आज बहन के प्यार में भाई के पत्थर दिल को मोम बना दिया है। बांध रखी और बोल तुझे क्या चाहिए। जीवन भर से मैं तुझे कुछ दे नहीं सका लेकिन आज आज भगवान ने बिछड़े हुए भाई को मिला दिया। भैया मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। लेकिन तुम्हें को सब है, सच सच बताओ तुम निर्दोष हो ना। मुझे स्वर्गीय मां की इकलौती बहन और इस राखी कसम मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। बस अब मैं प्राण देकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगी। कैसा दुर्भाग्य है आज के शुभ दिन रक्षा करने का वचन देना चाहिए भाई को और वचन दे रही है बहन। माला, अमर मैं मुझे सब कुछ मालूम। ये भी जानता हूँ कि तुम गोपाल से मिल चुकी हो। एक बहन को पिछड़ा हुआ भाई मिला भी तो कहा, किस हाल में किस रूप में। और दुर्भाग्य ये है कि उस पर खून का इल्जाम लगाया गया है। तुम शायद नहीं जानती कि गोपाल झगड़े फसाद चोरी डकैती के जुर्म में कई बार सजा काट चुका है। बस एक खून का निवा फिरा गया था उसके लिए। नहीं नहीं, उसने खून नहीं किया, वो निर्दोष है। उसने मेरी और स्वर्गीय माँ की कसम खाई है, वो माँ की झूठी कसम नहीं खा सकता, विश्वास कर। लेकिन तमाम सबूत। मैं कहाँ जाऊँ, किसके सामने हाथ फैलाऊँ। अमर, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज अपने भाई का जीवन मांगती माल। उसे बचा लो अमर, वो मेरा भाई ही नहीं तुम्हारे बचपन का दोस्त भी है। दुनिया में सबकी चिंता करने वाला कोई ना कोई होता है और जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, लेकिन मेरे भाई से तो भगवान भी लूट गए। माला, मैं तुम्हारे और गोपाल के किसी भी काम आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे लिए ये केस लेना नामुमकिन। अमर, अमर याद है बचपन में तुमने माँ को वचन दिया था। भगवान नहीं चाची जी, इसकी रक्षा मैं करूँगा। कहा होगा, लेकिन ये खून का संगीन मुकदमा है, सारे सबूत गोपाल के खिलाफ है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर है रामनाथ जी, जो जिंदगी में कभी कोई केस नहीं हारे, वो पहली पेशी में उसे मुजरिम साबित करते हैं। और तुम उसे बचाने की कोशिश किए बगैर मैं निर्दोष भाई के भाग्य का फैसला हो जाने दूंगी। बात समझने की कोशिश करो। मैं राम जी, उन्हीं से जाकर मिलो। अंकल। क्या बात है बेटी? अंकल, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। हाँ तो आप ये केस मत लीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो बेटी? मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ, ये सरकारी काम है। किसी केस को लेना या छोड़ना मेरी मर्जी से थोड़े होता है। लेकिन इस केस में ऐसी क्या बात है जिस पे खून का इल्जाम लगाया गया है? वो मेरा भाई है। क्या वो ड्राइवर राम सिंह तुम्हारा भाई है? हाँ, मेरा सगा भाई, जो बचपन में घर छोड़कर भाग गया था। उसका असली नाम गोपाल है। ये खून उसने नहीं किया है अंकल, वो निर्दोष। कातिल अपने आप को निर्दोष कहता है। विश्वास रखो, अगर उसने खून नहीं किया तो उसे सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उसने खून किया है तो कानून से कभी माफ नहीं कर सकता, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से कानून की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। आपका मेरी तरफ से कोई फर्ज है माला? हाँ अंकल,
एक लम्हे के लिए आप वकील का जामा उतार कर बाप बन जाइए। माला, कानून के दायरे से निकलकर उस अभागिन बहन की दुनिया में आ जाइए जिसे आपने बेटी माला मिट जाएगी। माला, अगर उसके भाई को कुछ हो गया, अंकल उसे जिंदा रहने दीजिए, उसे रिहा करवा दीजिए, मैं उसकी जिंदगी की भीख मांगती हूँ। माला, जानकी जिसका खून हुआ है वो कौन है? कोई भी हो, मुझे उससे क्या वास्ता? लेकिन मुझे है, क्योंकि वक्त माला, तुम खूनी को बचाना चाहती हो इसलिए कि वो तुम्हारा भाई है, लेकिन जिसका खून हुआ है वो भी तो किसी का कोई होगा। किसी भागे बाप का बेटा, किसी माँ की निशानी, किसी खानदान का चिराग, उसको इंसाफ नहीं मिला, लेकिन उसकी आत्मा को तो मिलना चाहिए। गोपाल उस राम सिंह, तुम्हारे खिलाफ इल्जाम है कि तुमने 24 अक्टूबर को बॉम्बे शहर के अंदर मोहनचंद का खून किया। क्या तुम अपने जुर्म का इकबाल करते हो? मैं बिल्कुल बेकसूर हूं हुजूर। तुमने अपनी पैरवी के लिए कोई वकील तय किया है? जी नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मुलजिम की पैरवी के लिए सरकार की तरफ से वकील की सहूलियत दी जाए तो प्रोसिक्यूशन को कोई एतराज ना होगा। योर ऑनर, सच्चाई के लिए सरकारी वकील साहब के रहने की जरूरत नहीं, गोपाल की पैरवी के लिए है, मैं हाजिर। ये रहे मेरे कागजात। गोपाल, अगर मिस्टर अमर तुम्हारी केस की पैरवी करें तो तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? हुजूर, मारना या बचाना भगवान के हाथ है, लेकिन अपने बचपन के दोस्त के हाथों जिंदगी सौंपने से बड़ी सौभाग्य की बात और क्या होगी। मिस्टर अमर, आप बहसियत डिफेंस काउंसल गोपाल की पैरवी कर सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर, लेकिन इस मुकदमे की तैयारी के लिए मैं 2 रोज की मोहलत चाहता हूं। रिक्वेस्ट ग्रांटेड योर ऑनर। अमर, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, तुम तो मुझ पर विश्वास करो। मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन कानून कैसे विश्वास करेगा जहां सबूत को सच्चाई माना जाता है? और सरकारी वकील साहब ने खुद तुम्हें वहां जाते हुए देखा है। मैं पूछता हूँ तुम वहां क्यों गए थे, जो कुछ हुआ कैसे हुआ? मैं सिर्फ इतना जानता कि मोहन एक अच्छा आदमी नहीं था, और मैं अपनी बहन की शादी एक ऐसे आदमी से होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने सोचा जैसे भी हो मोहन की असलियत का भांडा फोड़ दो। क्या असलियत? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मोहन अच्छा आदमी नहीं था? बगैर काम उसकी आमदनी पर मुझे पहले ही शक था, और खून वाले दिन कुछ सेठों की बातचीत से मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो स्मगलर था, जालसाज था। स्मगलर, जालसाज? क्या बातचीत हुई थी मोहन की उन सेठों से? सारी हकीकत उस फाइल में मौजूद है जो उस रात मैंने मोहन के सिर से गायब की थी। फाइल? कहां है वो फाइल? गैराज की दीवार पर एक तस्वीर के पीछे मैंने उसे छुपा दिया है, शायद वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगी। ले लूंगा, आइडिया बाद में दूंगा, समझे? देखो, गोपाल के घर से जो फाइल मिली है उस मोहन के नाम चिट्ठी भी है, किसी मुनीम के घर लाल की। हो सकता है चिट्ठी से मोहन के बारे में कोई जानकारी हासिल हो सके। मैं जानकारी हासिल करके बात से बात निकालने की कोशिश करूंगा, यू डोंट वरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, 19 की जांच पड़ताल से जो नतीजा निकला है उससे गोपाल और राम सिंह का जुर्म आईने की तरह साफ है। इसकी जिंदगी के पिछले कारनामों पर भी नजर डाली जाए तो यही कहना पड़ेगा कि चोरी करना, जेब काटना,
लोगों को डरा धमका कर पैसे वसूल करना, यही इसका पेशा रहा है। और ये खून भी इसने दौलत के लालच में जानबूझकर इरादा बनाकर किया है। योना, फिंगर एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक तिजोरी पर इसकी उंगलियों के निशान भी मौजूद थे और इसके कमरे से नोट भी बरामद हुए हैं। जाहिर है कि खूनी गोपाल उर्फ राम सिंह है और कोई नहीं। दैट्स ऑल योर मिस्टर डिफेंस काउंसल, यू कैन प्रोसीड विद द डिफेंस। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल की पिछली जिंदगी का हवाला देना इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं रखता है, क्योंकि खून करना तो दूर, इसे खून की जानकारी तक नहीं थी। मैं अदालत के सामने साबित करूंगा कि सच्चाई क्या थी, लिहाजा मैं दरख्वास्त करता हूं कि गोपाल को बतौर गवाह पेश होने की इजाजत दी। योना, अपने मुवक्किल को जो मुलजिम भी है गवाह के रूप में पेश करके बचाव के वकील शायद कानून की किताबों में कोई उलट फेर करना चाहते हैं। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए जो भी तरीका, जो भी रास्ता मैं अपनाना चाहूं उसमें रुकावट न डाली जाए। मिस्टर डिफेंस काउंसल, ये रवैया है तो गैर मुनासिब, लेकिन इसमें एक इंसान की जिंदगी का सवाल है, इसलिए मैं राम सिंह उर्फ गोपाल को बतौर गवाह पेश होने की इजाजत देता हूं। थैंक यू योर ऑनर। आप गीता को चुकी कसम खाइए, जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा। क्या तुम 24 अक्टूबर के हालात अदालत के सामने बयान कर सकते हो जिस रात तुम्हारे मालिक मोहन का फोन हुआ? उनके कमरे में गया तो देखा कि 5-6 लोग पहले से ही वहां मौजूद थे और रुपए पैसे के मामले में उनकी बहस हो रही थी। मोहन बाबू ने कागजात की फाइल दिखाते हुए ये कहा कि ये कागजात उन सेठों के काले कारनामों की जन्म पत्रियां हैं जिसके लिए उन्हें 50 लाख रुपए देना होगा। बहस यहां तक बढ़ गई कि उन्होंने मार डालने की धमकी देते हुए चले गए। और उनके जाने के बाद क्या हुआ? मैंने दरवाजे के पास से देखा कि मोहन बाबू ने उस फाइल को सेफ में रखकर ताला लगा दिया और फिर मैं फिर गैराज में चला गया और सोचता रहा कि किसी तरह उस चाबी को हासिल करके फाइल भी हासिल कर ले और बाबू रामनाथ जी को दे दूं। उन्हें वो फाइल क्यों देना चाहते थे? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहन माला की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ मोहन बाबू से हो जाए, क्योंकि वो एक अच्छे आदमी नहीं थे। सरासर झूठ है योना, न 5 सेठ है न फाइल है, ये सब डिफेंस की मनगढ़ंत कहानी। डिफेंस की कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है योर ऑनर, वो सेठ कोर्ट में मौजूद हैं और ये है उनके कागजों की फाइल। मैं दरख्वास्त करता हूं कि बताओ सरकारी गवाह उन्हें पेश होने के संबंध में जारी किए जाए। रिक्वेस्ट ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं जो कुछ कहूंगा सच कहूं। आप मोहन को जानते थे? जानता। किस सिलसिले में? बिजनेस। कौन सा बिजनेस? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। किस चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट? मेरा मतलब है कि बहुत सारी चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट। जैसे? जैसे कि टेक्सटाइल। मकान? मतलब ये कि आप उलझे मत पड़िए, मैं आपकी मदद करता हूं। आप और आपके 4 साथी मिलकर स्मगलिंग का बिजनेस करते हैं। जी, जिसमें आप लोगों के बीच का आदमी था मोहन। मगर जिस पैसे के लिए मोहन आपके साथ बिजनेस करता था उससे ज्यादा पैसा उसे शादी के बाद मिलने वाला था, इसलिए सगाई होते ही उसने आपके साथ काम करने से इनकार कर दिया। 24 अक्टूबर को जब आप लोग उससे अपने कागजात मांगने गए तो उसने कहा कि वो कागजात आपके काले कारनामों के जन्म पत्रियां हैं, लिहाजा उनकी कीमत 50 लाख देनी होगी। आप चकित्रा गए, घबरा गए और गुस्से में लाल पीले होकर जबरदस्ती में उतर आए। मोहन ने आपको घर से निकाल दिया और जाते जाते आपने उसे जान से मार डालने की धमकी दी। आपने उसे धमकी दी कि नहीं? धमकी दी जरूर, लेकिन डराने के लिए, मार डालने के लिए नहीं। 26 अक्टूबर की रात को आप कहां थे? जी 24 अक्टूबर की, नहीं माफ करना,
एक सवाल के जवाब मैं नहीं दे सकता। क्यों जवाब नहीं दे सकता है? बात एम से कि मैंने इधर सच बोलने की कसम खाई है एंड आई एम ए मैरिड मैन। अगर मैं सच बोल गया तो माई वाइफ मेरे भाई इधर आके मेरे को डाइवोर्स दे देगी। दैट्स ऑल योर ऑनर। 24 अक्टूबर की रात आपके लिए खुशी की रात थी, याद कीजिए। सच बात तो यह है कि मोहन की धमकी से मैं इतना घबरा गया था कि शराब का सहारा लेकर बेहोश हो गया। दैट्स ऑल योर ऑनर। 24 अक्टूबर की रात को आप कहां थे? वो मारे घरे हो तो अकेले? ओ नो योर ऑनर, वो तो मारी वाइफ सिरिनी साथे हो तो इन माय बेडरूम योर ऑनर। दैट्स ऑल योर ऑनर। मोहन की मौत का समाचार पाकर आप कैसा लगा? हम सब ने घना दुख हुआ सरकार। इस बात की खुशी नहीं हुई आपको? आप सबको हर महीने जो भारी रकम देनी पड़ती थी उसे वो बच गई। राम राम। ऐसा क्यों सोचो सरकार? इन कागजात को पहचानते हैं? ये आपके और आपके साथियों के दस्तखत असली है या नकली? सच्चाई से कौन इंकार करे सरकार, दस्तखत तो अपनी दिखे। मगर सरकार धंधा हम अपनी मर्जी से नहीं करे थे, मोहन के कहने से भी उतार करे थे सरकार। बहुत भोले हैं आप लोग। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब कानून के उस बुनियादी उसूल की दुहाई देते हैं कि हर गुनाह के पीछे मकसद, इरादा और वजह का होना जरूरी है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो गवाह मैंने पेश किए वो सब के सब उस रात शहर में मौजूद थे जिस रात मोहन का खून हुआ, और मोहन के खून से उन पांचों को जितना फायदा था उतना और किसी को नहीं था। जिस छुरी से मोहन का खून हुआ उस पर उंगलियों के निशान नहीं पाए गए, मतलब साफ जाहिर है कि पांचों ने मिलकर स्कीम बनाई और उनमें से एक ने बड़े ठंडे दिल से हाथों में दस्ताने पहनकर बड़ी आसानी से काम कर डाला। मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब के अल्फाज को दोहराना चाहता हूं कि इस कत्ल के पीछे मकसद था, इरादा था, वजह थी। दैट्स ऑल योर ऑनर। कोर्ट एडजर्न टिल टुमारो। जब देखो उसकी फोटो को देखते रहते हैं, उसके कुत्ते को लिए बैठे रहते हैं। मैं तो कहती हूँ भगवान ने अच्छा ही किया, जो होना था शादी से पहले हो गया, नहीं तो माला की जिंदगी बर्बाद हो जाती उस लोग पर बदमाश के साथ। तो चल रहा हो। तुम कौन होती किसी पर इल्जाम लगाने वाली? मोहन जैसा भी रहा हो, जो भी हुआ उसके लिए वही दोषी नहीं। संतान को बनाने बिगाड़ने में असली हाथ माता पिता का होता है, बल्कि सिर्फ पिता का। योर ऑनर, हालांकि मैं अपनी तरफ से इस मुकदमे की जिरह खत्म कर चुका हूं, फिर भी कुछ वाकयात और हालात ऐसे पेश आए हैं जिनकी वजह से पेशतर इसके के डिफेंस अपनी तरफ से कार्रवाई को आगे बढ़ाए। मैं एक नया गवाह पेश करने की इजाजत चाहूंगा। आई ऑब्जेक्ट टू इट योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन की तरफ से किसकी दवाई इस मौके पर जरूरी समझी जा रही है? डिफेंस काउंसिल मिस्टर अमर। यह प्रोसिक्यूशन की चाल है ताकि मैं गवाह पेश होकर गोपाल की पैरवी न कर सकूं। हर किसी बल्कि मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि अपनी विशेष आज्ञा से गवाही खत्म होने पर डिफेंस काउंसिल को फिर से पैरवी करने की पूरी आजादी दी जाए। मिस्टर डिफेंस काउंसिल, अगर मुकदमे की किसी बारीकी पर रोशनी पड़ती है तो आपको बतौर गवाह पेश होने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गवाही के बाद आप पैरवी करने के हकदार रहेंगे। मुझे कोई एतराज नहीं हो रहा। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा। तो आप सच सच बताइए, माला से आपका क्या संबंध है? जी जी हाँ, वही माला जो मुलजिम गोपाल की सगी बहन है, जिसे मेरी पत्नी ने गरीबी के अंधेरे से निकालकर पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, उस माला से आपका क्या संबंध है? मैं माला से प्रेम करता हूं। ये जानने के बाद भी कि उसकी सगाई हो चुकी है आप उससे प्रेम करते रहे? मिस्टर प्रोसिक्यूटर,
प्रेम को रेडियो नहीं है कि जब चाह स्विच ऑन कर दिया, जब चाह ऑफ कर दिया। मोहन की मौत के समाचार से आप पर क्या असर हुआ? मुझे गहरा सदमा पहुंचा। स्त्री के जिसे मैं प्रेम करता हूं, सगाई होते ही उसके होने वाले पति की मौत हो गई और उसकी मौत से आप दोनों के बीच की दीवार हट गई। योर ऑनर, मुल्जिम कबूल कर चुका है कि गवाह अमर उसका बचपन का दोस्त है। गोपाल चाहता था कि उसकी बहन की शादी मोहन से नहीं, अमर से हो। उसने अपने दिल की बात गवाह अमर को बताई। अमर ने अपना कानूनी दिमाग लड़ाया और बेचारे मोहन के खून की स्कीम तैयार की। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ। गवाह अमर ने ही मुलजिम को खंजर दिया, उसे कागजात उड़ाने की सलाह दी, उसे उंगलियों के निशान मिटाने के लिए भी आगाह किया। मुलजिम ने वही कुछ किया, लेकिन ऐन मौके पर वो लालच में आ गया। उसने नोटों के बंडल तो उठा लिए, लेकिन सेफ पर से उंगलियों के निशान मिटाना वो भूल गया। झूठ, गलत, बेबुनियाद। जो राणा, मैं इस सच्चाई को बिल्कुल नहीं जानता था कि राम सिंह मेरे बचपन का दोस्त, माला के भाई गोपाल है। यह असलियत मुझे जब मालूम हुई, जबकि वो गिरफ्तार हो गया। कानून को धोखा देने के लिए आप दुनिया से कह रहे हैं, लेकिन सच ये है कि मोहन के खून की साजिश में गोपाल के साथ आप भी शामिल थे, क्योंकि आपके सामने मोहन को खत्म करके अपना रास्ता साफ करने का मकसद था, इरादा था, वजह थी। योर ऑनर, इससे पहले कि मैं अपने सहभाई में कुछ कहूं, मैं भी प्रोसिक्यूटर साहब से गवाह की हैसियत से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहते। मिस्टर डिफेंस काउंसल, आप अगर बदला लेने की नीयत से ऐसा करना चाहते हैं तो मैं इसे मुनासिब नहीं समझता। योर ऑनर, बदला लेने की मेरी जरा भी नीयत नहीं है। मैं तो सिर्फ सच्चाई पेश करना चाहता हूं और मेरे ख्याल से प्रोसिक्यूटर साहब का बयान इस केस की उलझन को सुलझाने में बहुत मदद करेगा। जिस तरह मुझे गवाही के बाद डिफेंस के लिए इजाजत दी गई है, उसी तरह उन्हें भी दी जा सकती है। थैंक यू। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा सच सच कहूंगा। तो सच सच बताइए कि मोहन के साथ आपका क्या संबंध था? जी जी हाँ, मोहन, जिस मोहन के साथ आपने माला की शादी तक की थी, उस मोहन के साथ आपका क्या संबंध था? सिर्फ यही कि वो माला को होने वाला पति था। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अदालत वो जानना चाहती है जो सिर्फ आप जानते हैं। जो कुछ मैं कह चुका हूं उससे ज्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। तो फिर मैं अपने जीरा यही खत्म करके एक दूसरा गवाह पेश करना चाहता हूं जो इस सवाल का सही जवाब देगा। योर ऑनर, मिस्टर रामनाथ, यू मे प्लीज लीव द विटनेस बॉक्स। मिस्टर डिफेंस काउंसल, आप अपने दूसरे गवाह बुला सकते हैं। मुनीम गिरधारी लाल, आइए आइए मुनीम जी, जाइए जाइए ना। योर ऑनर, इस गवाह का मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए कि जो कुछ प्रोसिक्यूटर साहब छिपाना चाहते हैं वो गिरधारी लाल जी बयान करेंगे। यू कैन प्रोसीड मिस्टर डिफेंस काउंसल। थैंक यू योर ऑनर। मैं सरबन खाकर कहता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा। मुनीम जी, सच सच बताइए, मोहन के बारे में आप क्या जानते हैं? जी, मोहन मेरे दूर का रिश्तेदार था जो करीब एक साल पहले मेरे पास आया और बातों बातों में मैंने रामनाथ जी के बीते दिनों की कहानी सुना डाली। उसने क्या चाल खेली कि मेरी बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी का वचन दिया। मैंने भी बात मान ली, मगर उसने मुझे भी बेवकूफ बनाया। बेटी के सुख के लिए उसके कहने से ही मैंने रामनाथ जी को अपने पास बुलाया और झूठी कहानी बनाकर मैंने उन्हें यह बताया कि मोहन उनकी पहली पत्नी का बेटा है। मुनीम, आगे बोलिए। मुनीम जी, रामनाथ जी की प्यासी आत्मा तड़प उठी, उन्हें जरा भी संदेह न हुआ। मेरी बात पर विश्वास करके ये तुरंत मोहन से जाकर मिले और उससे माला की शादी पक्की कर दी। जब आपने देखा कि मोहन ने आपको और आपकी बेटी को धोखा दिया तो आपने क्या किया? गरीब आदमी क्या करता, अपमान की आग में जलता रहा।
लेकिन रामनाथ जी का नमक खाया था, इसलिए मोहन के बारे में इन्हें सचेत करने के लिए मैंने एक पत्र लिख करके भेजा। ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है योर ऑनर, इसी तरह से मुझे कोई हक नहीं मिला। ऐसे गवाह के सॉरी योर कोर्ट एडजंस टिल टुमारो। इसमें कौन सी खुशखबरी थी जो आपको बताती? मुझे नहीं मालूम था आपका असली रूप कुछ और है। शोभा मर गई। शोभा एक को छोड़कर दूसरे को घर में लाने का आपको क्या अधिकार था? ऐसा ना कहो शोभा, असलियत को समझने की कोशिश करो। इसे पढ़ने के बाद आप और कौन सी असलियत को समझना बाकी रह गया है? शोभा तुम्हें नहीं मालूम इस नमक हराम मुनीम ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उससे बड़ा धोखा आपने मेरे साथ किया। आपने जिंदगी भर मुझे अंधेरे में रखा। इसी में इंसाफी पर आप कानून के रक्षक बनते हैं। इसी सच्चाई को लेकर आप समाज में सम्मान बटोरते फिरते हैं। शोभा 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 मुझे कुछ कहने का मौका दे दो। मैं उतना दोषी नहीं हूँ जितना तुम समझ रही हो। शोभा प्लीज प्लीज क्या करूँ, कोई भी तो मुझे समझने की कोशिश नहीं करता। जिंदगी में सबने मुझे धोखा दिया है, सबने मुझे धोखा दिया है, और अब ये उससे बदमाश कोई है निकालो बड़ा उसको यहां। माफ हो रहा है कुछ भी कर सकता जो कुछ भी और सुनिए की वजह से मैं उस नमक हराम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक ऐसा समय आता है जब इंसान नहीं जान पाता कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। आज वही समय मेरे जीवन में आया है। क्या बात है? ये वो चिट्ठी है जिसकी जानकारी से आज अदालत में अंकल ने इनकार किया था। मैंने सोचा शायद ये चिट्ठी तुम्हें झूठ के अंधेरे से निकालकर सच्चाई की रोशनी तक पहुंच जाए, कानून की रक्षा हो सके, गोपाल भैया को बचाने में मदद मिल सके। माला तुमने मुझे बहुत बड़ा एहसान किया। अमर आंटी की तबीयत खराब है, शायद उन्हें मेरी जरूरत पड़े। अच्छा मैं जाती हूँ। आज मुझे वो मौका मिला है कि जिससे मैं अदालत में कानून की बुनियादें हिला सकूं। इस खत को देखकर रामनाथ जी के पांव तले से जमीन निकल जाएगी। मैं ठीक कहता हूं ना मां? प्रोसिक्यूटर साहब आप यहां? जी मैं सोच भी नहीं सकता कि आप, यानी कि मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसे महान एडवोकेट मुझ जैसे जूनियर के यहां पधारे। माँ थी? ये थी नहीं है, है? अब मुझे अभिमान है कि मैं इनका बेटा हूं। इन्होंने एक महान स्त्री की तरह बहुत ममता और लाख प्यार से मुझे पाला पोसा, दिन रात मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया वकील बनाया और एक पिता की जिम्मेदारी निभाई। मुझे मेरा कुछ भी नहीं प्रोसिक्यूटर साहब, मेरी सब कुछ यही है।
इसीलिए तो कल की पेशी के लिए इनसे आशीर्वाद मांग रहा था। बड़ों के आशीर्वाद से ही तो आदमी बड़ा बनता है। देने के तुम पता नहीं कितना अच्छा शगुन है। आज कोई खास बात है के बेटे जो आशीर्वाद मांग रहे हो, शगुन निचा रहे हो? बहुत बड़ी खास बात है। हर इंसान की जिंदगी में कभी कोई एक दिन ऐसा आता है जो उसकी पूरी जिंदगी से ज्यादा अनमोल बन जाता है। आज वही दिन है जो ना कभी आया था और ना आएगा। मैं समझी नहीं बेटे। खून का बहुत पेचीदा मामला है। वो गोपाल था ना, याद है, माला का भाई? हाँ हाँ, जो बचपन में भाग गया था। क्या हुआ उसका? एक बार मैंने मजाक में कहा था कि बड़ा होकर बैरिस्टर बनकर मैं उसकी रक्षा करूंगा। वही मजाक सच बन गया है और मैं उसकी पैरवी करूंगा। और मेरा मुकाबला है सबसे काबिल प्रोसिक्यूटर से जो कभी कोई केस नहीं हारे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जरूर जीतूंगा और वो पहली बार हारेंगे। मेरा योर ऑनर, एक बार फिर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को कचहरे में पेश किए जाने की इजाजत दी जाए। मिस्टर डिफेंस काउंसल, आप कब तक अदालत के सामने इस तरह के खिलवाड़ और मजाक करते रहे? आपको हर तरह की सहूलियत दी गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप मनमानी करते रहे। जब तक कोई ठोस वजह ना हो, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। मुझे बिल्कुल ठोस है योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर साहब ने मुनीम के 2.5 लाख का जो खत पाने से कल साफ इनकार कर दिया था, वो खत डाक की मोहर के मुताबिक इनको 24 अक्टूबर की सुबह को मिल गया था। 24 अक्टूबर योर ऑनर, 24 अक्टूबर, जिससे आप मोहन का खून हुआ। ये रहा ये खत। आपको कैसे मिला? यही बताने के लिए मैंने एक बार फिर से यहां बुलवाना चाहता हूं। आप इसे पहचानते हैं? जी, ये मेरी पिस्तौल है। जो खत आपके पास होना चाहिए वो मेरे पास है, जो पिस्तौल आपके पास होनी चाहिए वो भी मेरे पास है। मगर क्यों, कैसे, आप बता सकते हैं? एक वकील की हैसियत से मेरा अंदाजा है कि इस खत की जानकारी के बाद आपकी पत्नी ने, मेरा मतलब आपकी दूसरी पत्नी ने, आपसे अपने अधिकार के नाम पर जवाब तलब किया होगा और उसी दम नीम गिरधारी लाल आपको आपका सबसे बड़ा दुश्मन नजर आ रहा होगा। नतीजा, पिस्तौल निकालकर आप उसकी तलाश में घर से निकले। मगर घर से निकलते आपने देखा कि माला हाथ में खत लेकर बाहर जा रही है। आपने माला का पीछा किया। आपने देखा कि माला ने मेरे मकान पर पहुंच के वो खत मुझे दिया। माला तो चलेगी, लेकिन आप उस दिल की शांति के साथ नहीं बल्कि दिमाग की क्रांति के साथ चल रहे थे। और इस खत को मेरे हाथ से अपने हाथ में लेने के लिए आपने पिस्तौल निकाल ली और मुझे निशाना बनाना चाहा। मगर न जाने क्यों और कैसे आपके दिल ने दिमाग को काबू में कर लिया और पिस्तौल का घोड़ा दबाकर हमें कातिल न बन सके। शायद आपकी आत्मा में इंसानियत की गंगा जल की एक बूंद बाकी थी, या शायद मेरी मां का वरदान उस वक्त ढाल बनकर मेरी रक्षा कर रहा था, क्योंकि उस वक्त मैं इस मुकदमे को जीतने के लिए अपनी मां की तस्वीर के सामने खड़ा आशीर्वाद मांग रहा था, जिसे देखकर शायद आपकी सोई हुई भावना को एक दुखियारी मां की गोद पर तरस आ गया। प्रोसिक्यूटर साहब, जो कुछ मैंने कहा वो झूठ है या सच? मिस्टर डिफेंस काउंसिल, अगर अदालत ये मान भी ले कि आपके इल्जाम सही है, तो इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं? मैं साबित यह करना चाहता हूं योर ऑनर कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर रामनाथ ही मोहन के खूनी हैं। मिस्टर डिफेंस काउंसल, आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब के खिलाफ जो शर्मनाक और संगीन इल्जाम लगा रहे हैं,
अगर वो गलत साबित हुए तो जानते हैं इसका अंजाम क्या होगा? जानता हूँ योरोना, और जो कुछ जानता हूँ वही बताना चाहता हूँ। 24 अक्टूबर को मुनीम का खत पाकर इनके दिल पर गहरा सदमा पहुंचा। ये जानता कि मोहन इनका बेटा नहीं बल्कि जालसाज है, जिसे बेटा मानकर ये अपना सब कुछ देने पर आवाज़ थे, अपना प्यार, अपनी इज्जत, अपनी दौलत, माना था जीवन। जो प्रोसिक्यूटर साहब कभी कोई केस नहीं हारते, वो जीवन में कैसे हार माने? लिहाजा उसी 24 अक्टूबर की रात को ये मोहन के मकान में पहुंचे। मोहन नशे में चूस, बेहोश, मदहोश। इनकी बात सुनकर मजदूर से हंसा होगा, बोला होगा, आप जैसे नामी प्रोसिक्यूटर इस दर्जे ने सलाम करती है, दौलत इनके कदम चूमती है, कानून जिनके नाम से राशन होता है, समाज जिनका अभिमान करता है, आप इतने भोले निकले कि मुझ जैसी बदकार की जरा सी चाल के शिकार बन गए। योर ऑनर, मोहन ने जले पर नमक छिड़कने वाली कुछ ऐसी बातें की होंगी कि जिन्हें सुनकर इन्हें ऐसा लगा होगा कि इंसान के रूप में कितना बड़ा शैतान खड़ा है इनके सामने, और इनकी नजर गई होगी दूर पड़ी एक छुरी पर। इनके दिमाग में एक ही बात आ रही होगी कि मोहन की जिंदगी कहीं इनके लिए मौत न बन जाए, इसलिए उसकी मौत को जिंदगी बनाने के लिए इन्होंने पलक झपकते ही वही छुरी उसके सीने में बोक दी। और जब मोहन हमेशा के सो गया तो इनके मन की आंख खुली और इन्हें होश आया कि कानून के इतने बड़े नुमाइंदे ने सबसे बड़ा गैर कानूनी काम कर डाला। लेकिन जान सबको प्यारी होती है योराना, एक अपराधी की तरह इनका दिमाग चला होगा। इन्होंने देखा कि मोहन के टैक्सी में नोट भरे हुए हैं, इन्होंने सोचा कि उसका ड्राइवर गोपाल पास वाले गैराज में रहता है। इन्होंने मोहन के सीने से छुरी निकाली और टैक्सी उठाई और गोपाल के कमरे की तरफ चले। उधर गोपाल कुत्ते की आवाज सुनकर मोहन के कमरे की तरफ बढ़ा, इन्होंने टैक्सी गोपाल के कमरे में छुपा दी और छुरी से उंगलियों के निशान मिटाकर छुरी भी वहां छुपा दी और पुलिस को फोन कर दिया। योराना, लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, मैंने सच्चाई बयान कर दी, अब अदालत का फर्ज है कि बड़ी से बड़ी सजा जो है इन्हें देकर इंसाफ की इज्जत बढ़ाए। इट्स हाईली ऑब्जेक्शनेबल एंड डिसग्रेसफुल एलिगेशन मिस्टर डिफेंस काउंसल। आपने मिस्टर रामनाथ पर जो कलंक लगाया है, जो कीचड़ उछाला है, वो दुनिया की किसी भी अदालत में किसी डिफेंस काउंसल ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ नहीं किया। मिस्टर रामनाथ, आप खामोश क्यों? योर ऑनर, मैं जानता हूं नौजवान डिफेंस काउंसिल एक दिन जाने माने वकील बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। इस मुकदमे को जिस बारीकी से उन्होंने समझा है, जिस ढंग से इसे पेश किया है, ऐसा मालूम होता है जैसे हर घटना के वो चश्मदीद गवाह। आप ये क्या कह रहे हैं मिस्टर रामनाथ? डिफेंस काउंसिल ने जो कुछ कहा उसका एक एक शब्द सच है। मैं अपने जुर्म का इकबाल करता हूं। मां, मां, अरे तुमने तो पहले ही बात देख लिया, आज घर घर में हर जगह यही चर्चा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर देवता के रूप में शैतान। देखो शक्ल से खूनी लगता भला, लेकिन मैंने भी देवता के चेहरे से शराफत का झूठा पर्दा ऐसे हटाया कि इसका असली रूप दुनिया के सामने आ गया। तुम कोर्ट में होती तो देखती क्या तूफान खड़ा हो गया था, क्या उथल पुथल हुई। मां, भगवान, कौन से जन्म के पाप का फल मुझे मिल रहा है? ये कैसा अनर्थ है कि आज बेटे के हाथ माँ की मांग का सिंदूर पोंछ रहे हो। ये तुम क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटे, जो अपना बलिदान देकर तुम्हें अपने से बड़ा बनाना चाहते हैं, वो तुम्हारे पिता के सिवा कौन हो सकते हैं? ओ मेरे पिता, ये तुम्हारी माँ थी? ये थी नहीं है, वो जान गए थे कि मैं उनका बेटा हूं। काश मैं भी जान पाता, मैं कितना भागा हूं मां। मुझे प्यार से जीभ भर के गले लगाने की बजाय उन्होंने अपना गला फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। प्रभु, ये दिन देखने से पहले मुझे क्यों नहीं उठाया इस दुनिया से? मां, मैं जिस जीत का अभिमान कर रहा था, मेरे जन्म जन्म की सबसे बड़ी हार है, सबसे बड़ी हार है। लेकिन मैं अमर,
कानून के हवाले करके आपको आजाद न करा लूं। बात निकली है कि मैं अगर वो चिट्ठी न पढ़ता तो आपसे मुलाकात नहीं होती, और आपसे मुलाकात नहीं होती तो आप कोर्ट नहीं जाते, और आप कोर्ट नहीं जाते तो सच्चाई सामने नहीं आती, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर रामनाथ खून के जुर्म का इकबाल नहीं करते, और वो जुर्म का इकबाल नहीं करते तो मेरे इतने बड़े दोस्त को इतनी शानदार कामयाबी का सहारा बांधने का मौका नहीं मिलता। ये मेरी जीत नहीं, बहुत बड़ी भूल है। रामनाथ जी ने तो कैसे हो सकता है, उसने तो भरी अदालत में खुद गुनाह कबूल किया है। कैसे क्या हुआ ये सब बात मैं बताऊंगा। इस वक्त असली खूनी को पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रॉकी का पता लगाना। रॉकी कौन? मोहन का कुत्ता। उसके सिवा खूनी को किसी ने नहीं देखा, वही उसे पहचानता है। गोपाल मेरे साथ आओ। अब हमें ये सवाल नहीं उठाना चाहिए कि हम पांचों में से मोहन का खून किसने किया। तो ये कि जिसने भी मोहन का खून किया उसने हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया। अब हमें वही करना चाहिए जिसके लिए हम इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। हमें वो ब्लैक मनी तलाश करनी चाहिए जो मोहन ने हम सबसे छुपा कर रखी हुई है। मन्ने तो ऐसा लागे अपनी रकम मोहन ने बंगले किसी कोने काने में काम रखी है। ये दौलत जहां भी हो हमारी है और हमें मिलनी ही चाहिए। हमारे विचार से कल शाम को ही हमला बोल दे, चल के ना बंगला ऊपर। बाबा जी कल किसने देखा है, जो कुछ करना है आज करना चाहिए। कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। चलो 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 चलो, चलो, चलो। ब्लैक मनी का मामला है, हो सकता है कि उसने बागीचे के किसी कोने में या शायद गैराज में छुपा रखी। मन्ने तो बंगले के भीतर का शक पड़े। अहम करो कि व्यय मानस अंदर जाए ने तीन मानस बाहर देखे। ठीक है, लेकिन हम टॉर्च तक लेकर नहीं आए। गहरा अंधेरा है, रोशनी होती तो बड़ी आसानी होती। वकील साहब आप इस वक्त यहां क्या कर रहे हैं? गुनाह से अंधेरे का पर्दा हटाकर सच्चाई पर रोशनी डालने के लिए आप लोगों का इंतजार कर रहा था। पुरानी कहावत है कि खूनी खून की जगह पर जरूर वापस आता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अदालत में साबित हो चुका है और आपने खुद साबित किया है। फिर रामनाथ जी ने तो खुलेआम कबूल किया कि मोहन के खूनी वही है। वो अदालत का कानून का मामला था जहां सच्चाई से ज्यादा सबूत को माना जाता है, लेकिन मैं यहां सबूत नहीं बल्कि सच्चाई जानना चाहता कि मोहन का असली खूनी कौन है। अगर रामनाथ जी खूनी नहीं है और आप समझते हैं कि खून किसी और ने किया है तो वो नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि खून का चश्मदीद गवाह कोई नहीं था। चश्मदीद गवाह था, और ये वो भूल है जिसे अदालत में सब भूल चुके थे। लेकिन अब वो गवाह मिल चुका है जिसने अपनी आंखों से मोहन का खून होते हुए देखा। कौन है वो? मुझे कौन है? हालांकि वो हमारी भाषा नहीं जानता, लेकिन उपकार और एहसान की भाषा को इंसान से ज्यादा समझता है। ऐसा कौन हो सकता है? एक स्वामी भक्त जानवर कुत्ता, और वो यहां इस वक्त मौजूद है ये पहचानने के लिए कि उसकी आंखों के सामने उसके मालिक का खून आप में से किसने किया। मुनीम जी आप? जी मैं उसी कुत्ते को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे किसी ने मार डाला। वकील साहब आपका हर पासा पलट जाता है। एक चश्मदीद गवाह था कुत्ता, वो भी मार दिया गया। मोहन का असली कुत्ता रॉकी बिल्कुल जिंदा है, वो अपने मालिक का बदला लिए बगैर मर नहीं सकता। गोपाल Thank you.
खूनी समझता है कि वो कानून से बच निकला, लेकिन वो इस वफादार जानवर से नहीं बच सकता। गोपाल ये जानता है कि खूनी कौन है, और ये भी जानता है कि खूनी आज इस वक्त यहां मौजूद है। लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगी, आप हमारे साथ रहेंगी। नहीं बहन, मैं उन्हें अपनी सूरत नहीं दिखा सकती। जीवन भर के लिए मैं उस वचन की डोर में बंधी हूं जो उनकी स्वर्गवासिनी मां को मैंने दिया था। वो कौन सा ऐसा वचन हो सकता है मां, जो जानकी को राम से अलग रख सके। मैं भगवान से वचन लेके आया कि जो अब तक दूर थे उन्हें कभी कोई अलग न सकता। Mire, chamo.